हम सभी द्वारिकाधीश के बारे में तो जरूर जानते होंगे और ये भी जानते होंगे कि कैसे ये समुद्र की गहराई में इतने भीतर आज के मौजूदा समय में समाया हुआ है। तो दोस्तों, ऐसे में हमको ये भी समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आखिर इतनी बड़ी सभ्यता जो कि इतने बड़े जगत के मतलब पालनहार भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका, जिसे द्वारों का शहर भी कहा जाता था, ये आखिर ऐसे कौन से कारण थे जिसकी वजह से ये समुद्र की इतनी गहराई में समा गई। तो दोस्तों, इसके पीछे की कहानियाँ बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि दोस्तों देखिए, भगवान के भी जीवन में कुछ ना कुछ ऐसी कठिनाइयाँ आई होंगी जिसके कारण से वे अपने स्वयं के ऐसे इतने बड़े नगर की भी मतलब रक्षा या फिर नहीं किए होंगे जानबूझकर, या फिर ये विधि का विधान ही था होगा जिस कारण से उन्होंने इसे डूबने दिया था। तो दोस्तों, इसके पीछे जो कहानियाँ हैं ये मैं आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, आप बने रहिए इस वीडियो में और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए, द्वारिका नगरी के बारे में कहा जाता है कि ये सबसे एडवांस नगरी नगर की जो सभ्यता थी उसमें से भी एक थी, क्योंकि इसमें करीब करीब 7 लाख से भी ज़्यादा महल थे। और ये महल भी कोई ऐसे मतलब छोटे मोटे महल नहीं थे, ये बहुत ही बड़े भव्य और विशाल महल हुआ करते थे जो सोने चांदी और हीरे मोती इन सब से सुशोभित होते हुए रहते थे। तो इसमें दोस्तों कुछ ऐसे विशालकाय मंडप हुआ करते थे और साथ ही साथ इसकी जो स्ट्रेटजिक लोकेशन थी दोस्तों, जो कि एक समुद्री बंदरगाह के कारण में विश्व भर में इसका जो जो कनेक्टिविटी थी वो भी बहुत गजब की थी। तो कुल मिला के दोस्तों इसी कारण से इसे द्वारों का शहर या फिर द्वारिका नगरी के नाम से जाना जाने लगा था। अभी हम जो मौजूदा समय में द्वारिकाधीश जी का मंदिर देखते हैं, इसका निर्माण दोस्तों 16वीं शताब्दी में आदि गुरु शंकराचार्य जी ने करवाया था। और इससे पहले दोस्तों यहाँ पे बहुत से ऐसे छोटे छोटे मंदिर हुआ करते थे जिसे मुगलों ने उस समय तोड़वा दिया था। इसके बाद ही यहाँ आदि शंकराचार्य जी ने द्वारिकाधीश की स्थापना की थी और इस मंदिर का निर्माण करवाया था। लेकिन यहाँ हम आज जिस द्वारिकाधीश की बात कर रहे हैं वो इस समय मौजूदा समय पर समुद्र की गहराइयों में मौजूद है। और इसकी खोज दोस्तों 1963 ईस्वी में गुजरात सरकार के द्वारा किया गया था, जिसमें से बहुत से ऐसे साक्ष्य करीब करीब 3000 पुराने साल से भी ज़्यादा पुराने बर्तन मिले थे। और इसके साथ में कुछ ऐसे तांबे और सोने के सिक्के भी मिले थे जो कि एक सर्वे के द्वारा इन सब चीज़ों को एकत्र किया गया था। इसके बाद से इसमें खोज चलता रहा और मौजूदा समय में जो हम द्वारिकाधीश के बारे में सुनते हैं या फिर समुद्र की गहराई में होने के बारे में जानते हैं, इसकी खोज की गई थी। लेकिन द्वारिकाधीश जो कि इतनी महानतम नगर की सभ्यता थी, ये कैसे समुद्र में डूब गया, इसको लेकर कोई बहुत ज़्यादा ठोस प्रमाण हमारे इतिहासकार को नहीं मिल पाया। लेकिन इसमें जो हमारे जो वेद पुराण ये सब जो हमें हमें जो कहानियां बताती हैं या किस वजह से ये हुआ है, इसमें दोस्तों दो कहानियां बहुत ज़्यादा प्रचलित है। एक तो दोस्तों जो कि भगवान श्री कृष्ण जब महाभारत का युद्ध हुआ, तो युद्ध की समाप्ति के बाद जब कौरवों का हार हुआ और पांडवों की जीत हुई, तो इसमें भगवान ने युधिष्ठिर को राजा बनाकर उसके बाद जब वो वहाँ से जाने लगे तो उन्होंने माता गांधारी से मिलने के लिए वहाँ पर गए, जो कि अपने पुत्रों के शोक में बहुत ही व्याकुल थी। तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को श्राप दिया कि जिस तरह वे अपने कुल का मतलब कुल का नाश हुआ है, इस तरह के मतलब श्राप उन्हें भी दिया गया कि आने वाले समय में भगवान के कुल का भी नाश हो जाएगा। तो इस तरह दोस्तों हम देखते हैं कि कुछ ऐसी कहानियां हैं जिसमें भगवान को श्राप मिलने के कारण में ही शायद उनकी द्वारिकाधीश का जो कि जो नगर की जो सभ्यता थी, जो कि उनका जो समुद्र में डूब गई, इस तरह के श्राप के कारण माना जाता है कि ये हुआ है। क्योंकि भगवान है दोस्तों, तो भगवान किसी न किसी कारण से तो इस लोक से ही दूसरे लोक में प्रस्थान करेंगे ही, तो इनको एक न एक कारण की वजह से ही ये काम हो सकता था। तो ऐसे में दोस्तों ये एक कारण माना जाता है। इसके अलावा दोस्तों दूसरी भी एक कहानी इसमें बताई जाती है जो कि इससे भी ज़्यादा रोचक माना जाता है इस कहानी को। दूसरी जो पौराणिक कहानियाँ हैं दोस्तों, उसमें भगवान श्री कृष्ण के जो बेटे हैं सांबा, इनका महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इन्होंने भगवान श्री कृष्ण के बेटे होते हुए भी ऋषि मुनियों का काफी ज्यादा उपहास उड़ाया था, जिस वजह से ऋषि मुनि ने इन्हें श्राप दिया था कि ये ही आगे चल के यदुवंश के कुल के विनाशक बनेगा। तो इसी की वजह से दोस्तों माना जाता है कि ऋषि मुनि के इस श्राप के कारण ही यादव वंश का जो कि सर्वनाश हो गया और ये द्वारिका नगरी समुद्र में समा गई। इसके बाद दोस्तों इसमें इसे समाने से पहले दोस्तों भगवान श्री कृष्ण के भी एक शिकारी के द्वारा जंगल में
हिरण समझ के तीर चलाने के कारण भगवान श्री कृष्ण देवलोक में चले जाते हैं, और उसके बाद ही दोस्तों इस जो कि द्वारिका नगरी थी वो समुद्र में समा जाती है। तो इस तरह से दोस्तों हम देखते हैं कि पौराणिक कहानियों में किस तरह से द्वारिका को समुद्र में चले जाने को लेकर बताया गया है। तो दोस्तों यही थी जो कि द्वारिकाधीश के बारे में बताया जाता है कि किस तरह से ये समुद्र में डूब गई दोस्तों। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, अगर कोई भी बात रहता है तो हमें वो भी कमेंट में बताइएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।